जिंदगी जीने का कैसे हो सकता है। तो कभी भी ऐसे मत सोचिए कि हमें सरल तरीका अपनाना है, कैसे पॉसिबल है ये। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, गूगल रिव्यू मैंने देने को कहा तो लोगों ने कहा मैडम कोई सरल तरीका बताइए। तो सरल तरीका कोई नहीं हो सकता ना, लाइफ जीने में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सप्तमी आज है, आपको पता है, आज थोड़े से फ्रूट्स जूस ऐड करने हैं, सैलेड ऐड करना है, कंप्लीटली रॉ पे रहिए। आपको न सिर्फ हम करा रहे हैं ट्रेनिंग, बल्कि आपको एजुकेट भी कर रहे हैं। तो एजुकेट होते जाइए, जिससे कि आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप इस विद्या को पढ़ना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी के कोर्सेज हैं हमारे, जो कि अभी हम 14 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने ग्रुप पे दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। गूगल रिव्यू के लिए आप कोशिश करें, अगर आप दे सकते हैं तो आपने जो मैटर लिखा है वही रिव्यू पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, सरल रास्ता अपनाना है कि कठिन। अगेन फास्टिंग का भी बहुत सारे लोग हैं, मैम कुछ खिला पिला के कम करवा दीजिए, मैम वजन भी कुछ खिला पिला के कम करवा दीजिए। क्यों इतना हल्का क्यों लेना है? जब हम तपस्या से किसी गुजरते हैं तो हम और निखरते हैं ना। अगर हम अपने पुराने चैलेंजेस को याद करें तो आज हम इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हम बहुत सारी कठिनाइयों से होकर यहाँ पर आए हैं। इसलिए बहुत सरल रास्ता मत अख्तियार कीजिए। वो चिपी चिपकाने जैसा होता है कि अच्छे तो हम लग रहे हैं, ब्यूटी पार्लर हो आए, रिलैक्सिंग भी बहुत हो गया, पैसे भी बहुत खर्च कर गए, पर हमारी बाहर की स्किन ही अच्छी हो रही है, सिर्फ अंदर से हम बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड हैं। और जब आप ये चिकित्सा करते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से निखरते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, लोगों को समझानी पड़ेंगी। अभी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है और उल्टा आपको ही कहेंगे अरे क्या जरूरत है इतनी प्रॉब्लम करने की, इतनी तपस्या करने की। तो आपको अच्छे से मन में विश्वास, दृढ़ विश्वास डालना पड़ेगा और अपने रास्ते पे चलते जाइए। मुझे तो लगता है कि जो लोग साथ आते जाएं चलते चलिए, नहीं आते जाएं छोड़ते चलिए, क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो जीवन में इतने सारे गुरु होते हैं, किसी को किसी की बात समझ में आती है, किसी को किसी की बात समझ में आती है। ठीक है, तो रेडी हो जाएं हमारे सेशन के लिए। थोड़ा सा और बताना चाहूंगी जो लोग भी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे। आज है सप्तमी और कल है अष्टमी। आज का डाइट प्लान आपको फॉरवर्डेड है और कल अष्टमी के दिन आपको थोड़ा सा ऑयल रिकमेंडेड है। जैसा कि हमने डे 1 को लिया था, लगभग वैसा डाइट आप ले सकते हैं। मिल्क ले सकते हैं थोड़ा, फ्रूट्स जरूरी हैं, भीगे हुए मेवे जो सुबह थे जरूरी हैं, तुलसी जल जरूरी है। तो दोपहर में थोड़ी सब्जी हो सकती है और शाम को या और बिफोर टाइम कूटू का कोई भी तला हुआ हो सकता है, कूटू की पूड़ी हो सकती है, पकौड़ी हो सकती है, कुछ भी ऑयल या ऊपर से ऑयल आप खा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कविता सिंह जी दिख रही हैं, अगर वो रेडी हो तो मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगी कि वो अपने बारे में कुछ कुछ चीजें बताएं। नमस्ते कविता जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। मेरा मैम वेट नमस्ते, काफी ज्यादा था। नमस्कार मैम आप कहाँ जी, से? मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। कोलकाता जी से मेरे जी को पप्पू चांडक जी ने दिया था आपका लिंक, और बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। स्वेलिंग बहुत कम हो गई, माने पाँव के तो जैसे फ्लैट ही हो गए हैं। मेरे जी को बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक भी आज लग रहा है। 2-3 दिन में नहीं लगा था, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड। और मैं जुड़े रहना चाहूंगी, मेन मेरा जी यही है कि जी इसको अब जो घटा है उसको बढ़ने नहीं दूं, हाँ ये थोड़ा रहेगा मेरे। जी, ये तो अच्छा है। आप देखिए ये ऊपर से आपको दिख रहा है कि वजन घटा है, ठीक है, ऊपर से बराबर भी आ जाएगा, पर आप जो लो फील कर रहे थे उसमें जो इंटरनल ऑर्गेन्स है आपके, वाइटल ऑर्गेन्स, उनपे जो फैट जमा था ना वो डिके हो रहा था, वो किसी भी तरह डिके नहीं हुआ। कल बहुत दिन बाद पुराने गाने सुने मैंने, तो आई थिंक मेंटली भी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। हाँ, तो सब कोई तो यूथफुलनेस की तरफ सुहाता नहीं जाते था मेरे हैं को मैंने। फास्टिंग के एक्चुअली बाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू कविता जी। एंजॉयिंग दिस जर्नी। जी आप विभा जी हमें दिख रही हैं, थैंक यू। सो विभा जी विभा जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सर,
आप अच्छा अनम्यूट कर लें ओके प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं बीबा सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। जी जय माता दी सभी को। मैम जय माता दी। के साथ मैं 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैम का ये निस्वार्थ भाव से लगे रहना हम लोगों के बीच, हम लोगों का सेहत का ख्याल करते हुए वो हम लोगों को ग्लोबल साइंटिफिक फास्टिंग करवा रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मैम का जो उपवास कराने का तरीका है वो बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। और मैं कोई चीटिंग नहीं करती हूँ। पहले मेरा वजन 74 kg हो गया था, सभी मुझे बोलते थे 1 टन की हो गई हो। मतलब बहुत मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब मेरा जाके आज मैं वेटली हूँ, 12-13 kg तो गया ही, पर इस फास्टिंग में मेरा 2.5 kg वजन गया है। 61 पे मैं अब आ गई हूँ। और अलग अलग तरीके से मैम जो फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो खिलाती है वो आराम से देख के भी लगता है कि जूस पीना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेली उनका डाइट चेंज होता है। नेचुरोपैथी कोर्स भी मैं मैम का की थी, जो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, जिसमें जैसे अभी फास्टिंग के दौरान थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होने का, पर इस बार वो भी प्रॉब्लम नहीं आया, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं आया मुझे। तो मैं एनीमा वगैरह खुद से ले लेती थी क्योंकि मैम ने मुझे सिखाया था। सबसे पहला दिन तो मैम वो तुलसी पानी, ड्राई फ्रूट्स, हर्बल टी, लौकी का सब्जी, सूप, मूंगफली, ये सब खा के मखाना हम लोग रहे थे। इसी तरह हर दिन डिफरेंट टाइप का हम लोग भोजन करते रहे, फलहारी मतलब फ्रूट जूस ये सब लेते रहे, नारियल पानी, नींबू पानी, शहद, नारियल का दूध, डेट्स, रामदाना, ये तरह तरह का फ्रूट्स खाते रहे हम लोग, वेजिटेबल्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मेरा वेट भी गया, मेरा इंटरनली मुझे लगता है कि कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई चिड़चिड़ापन नहीं, मेरे पैर में जो दर्द था वो भी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। गैस का प्रॉब्लम होता तो वो भी नहीं हुआ। मुझे फ्रूट्स का कलर ही देखे बहुत अच्छा लगता है, तो खाने में भी मजा आता है। गीता में भी लिखा है ना कि जो चीज जो सुगंध में अच्छा हो और देखने में सुंदर लगे उसी को ग्रहण भी करना चाहिए। तो मैम उसी तरीके से हम लोगों को खिलाई है और 9 दिनों तक रखने का बोला है। उस मैम भी करती है ये फास्टिंग और हम लोग भी कर रहे हैं। धनिया पुदीना का पत्ती ये सब हम लोग के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और जो बहुत फायदा किया। हम चाहते हैं कि मैम इसी तरह हम लोगों से हमेशा जुड़ी रहे, आजीवन स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाते रहे। थैंक यू मैम। विभा जी थैंक यू सो मच, आपको फास्टिंग का ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। इतनी सारी तारीफ लोग कहेंगे कि लिख करके हमने दी है आपको वापस से कहने को। नहीं, थैंक यू सो मैं तो मच। फैन हूँ, देखती है नेचुरोपैथी क्लास वगैरह भी तो करती हूँ, ऐसा नहीं है बार बार करती हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आपने अभी देखा कि अच्छा विभा जी ने पहले अच्छा वाले सेशंस में 4-5 किलो भी कम किया था, तो बॉडी में वेट जितना ज्यादा होगा, ओबेसिटी जितनी ज्यादा होगी, फास्टिंग के दौरान उतना ही ज्यादा कम होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि सभी का एक साथ एक जैसा कम हो जाएगा, जिसकी जितनी नहीं, मैं जरूरत है। बताया हूँ मैम जी कि मेरा इतने 5 सालों में 13-14 kg वेट गया है, बट इस बार मैं 2.5 kg कम की हूँ। क्योंकि जी जी सभी डांटते भी थे ना उनकी, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो थोड़ा बीच में मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर से कम की हूँ। सब लोग इसलिए डांटते रहते हैं क्योंकि वो लोग कम नहीं कर पाते हैं, राइट? जरूरत से ज्यादा वजन बिल्कुल। कभी कम नहीं होगा, आप अंडर वेट फास्टिंग से कभी नहीं जाएंगे। एक बात और, मेरा बेटा भी मेरे साथ फास्टिंग किया है, मैं उसे बोल रही हूँ रिव्यू डाल दो मैम के लिए। जी और मतलब वो करते रहा, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वो भी कर रहा है, बोलता है मम्मा मुझे भी करना है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो जी 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके 1 सेकेंड मुझे okay. दीजिए, कुछ मैं करना चाह रही हूँ, हो नहीं रहा है।
सो जिग्ना जी आप हैं, आप कुछ बताएंगे जी? जी मैम, मैं बताने के लिए ही ज्वाइन हुई हूँ आज. जी और थैंक यू फॉर एवरीथिंग. आपने जो भी किया, मतलब हमें तो पता नहीं था, पर मेरी एक फ्रेंड है जो पुणे की है, मोहिनी, उन्होंने हमें आपके बारे में बताया था. मैं 3 साल से आपके साथ कर रही हूँ और 3 साल से बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. बट मैं खास अभी इस बार, तो मैं एक भी बार नहीं जुड़ी थी, बट आज आपके रिव्यू के लिए ही आज मैं जुड़ी हूँ. और ये आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप ये सब कर रही है. सो मैंने जब फर्स्ट टाइम फास्टिंग किया था, तब उससे पहले कोविड मुझे हो गया था, तो कोविड में मेरा 10 kg गेन हो गया था, तो वो उतर नहीं रहा था. मैं लगभग 85-86 पर थी. आपके साथ फर्स्ट टाइम फास्टिंग करने के बाद वो सीधा 83 पर आ गया, 84-2 पर आ गया. फिर थोड़ा सा गेन हो गया. फिर सेकेंड ईयर मैंने किया तो वो 80 तक आ गया, 79 तक आ आते गया, और फिर 80 तक रहा. हैं और इस बार मेरा आप 77 हो गया, तो वो और वो बिल्कुल लगातार रह रहा है, और मैं मतलब सस्टेनेबल है वेट मेरा. प्लस इस बार मुझे जो फायदा हुआ है वो ये है कि 2 महीने पहले मुझे चिकनगुनिया हो गया था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा जॉइंट पेन वगैरह था, और मैं मतलब कि बहुत ज्यादा 2 महीने से परेशान थी. पर इस फास्टिंग के बाद आज ऐसा मैं कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है, मतलब नहीं मेरा 80-90% पेन चला गया है. जी तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात हो गई कि मेरा जो जॉइंट पेन है वो फास्टिंग से, और ये जो आप साइंटिफिक फास्टिंग करवा रही है उससे, वो चला गया. मुझे और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी. बाकी मैंने थोड़ा सा फास्टिंग पहले भी किया था, मतलब कि चिकनगुनिया हुआ तब भी किया था, दवाइयां भी ली थी, बट इस फास्टिंग के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे जॉइंट स्टक नहीं रहते हैं, मैं अपना काम रूटीन कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट हो गया. आप कहाँ से और हैं? मैं अहमदाबाद की हूँ, मैं गांधीनगर की हूँ, और मैं 3 साल से आपके साथ कर रही हूँ, पर रिव्यू मैंने नहीं डाला है, आज मैं डालूंगी. और इस बार मैं इसीलिए लाइव हुई हूँ आपके साथ कि मैं आपको बता पाऊँ, कि आपका धन्यवाद कर पाऊँ कि बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो, और जो जिस तरीके से काम कर रहे हो, हम लोग सब एंजॉय करते हैं पूरा दिन. इवन मैं योगा टीचर हूँ तो मैं दिन के 5-6 क्लास लेती हूँ, फिर भी एनर्जेटिक रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डल हो जाती हूँ या मैं एट द एंड, क्योंकि मेरा सबसे लास्ट क्लास होता है वो रात को 9:30 से 10:30 का होता है, तो फिर भी मैं वो कर पाती हूँ. ओह ग्रेट तो ग्रेट, वो आपकी वजह से है कि आप इतना हमें गाइड करती है, आप इतना अच्छे से गाइड करती है. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है जैसा जैसा मैंने सीखा है चीजों को 2001 से सतत निरंतर, वैसा मैं लोगों को वैसा ही सिखाऊं और वैसा ही समझूं जैसा कि मैंने अपनी चीजों को इनबिल्ट किया। एकदम से कोई चीज नहीं आती, जैसे जैसे मैंने किया कि भाई पहले अगर एकदम से हम वाटर फास्टिंग करा देंगे तो आप लोगों को भी अजीब लगने लगेगा, नहीं कर पाएंगे, मतलब हिम्मत हारते हैं लोग। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे ले जाती हूँ, भले ही थोड़ा कम होता है बट अच्छा होता है, और आप समझ पाते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास भी हम डाल पाए इतने दिनों में तो बहुत बड़ी बात है ना, फिर तो आप कर ही लेंगे। नहीं, हम राह देखते हैं कि कब नवरात्रि आए और कब आप लाइव हो जाए. हम राह ही देखते हैं कि आप आ जाए और हम घर में सब फ्रूट्स वगैरह भर ले और तुरंत फास्टिंग पे आ जाए. थैंक जी थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, यू। थैंक यू. सोना मैम आप हैं क्या? बिरेश्वर जी, स्नेह भसीन जी, आरुषि, हु वांट टू शेयर? सुलेखा जी, राइट, प्लीज। नमस्कार, नमस्ते मैम, सभी लोगों को नमस्ते. मैं मैम के साथ लास्ट 3 ईयर से जुड़ी हूँ और सॉरी अच्छे से फास्टिंग किया है मैम के साथ. और ये साल तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. एक्चुअली मैंने 2 दिन से वाटर फास्टिंग, आपने बताया था, तो वाटर फास्टिंग और नींबू हनी और वाटर वो लिया. मुझे बिल्कुल वीकनेस नहीं, लो फील नहीं हो रहा है.
हम एक्चुअली हम ट्यूशंस लेते हैं, तो मैंने वो भी ट्यूशंस ली। आपने बोला था कम बात करने का, लेकिन हमारा जॉब ही है बात करने का, तो दिन भर बात करके भी मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। सुबह मंदिर में जाके आती हूँ, शाम को हम थोड़ा इकट्ठा बोल के दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, उसके बाद थोड़ा गरबा खेलते हैं, वो भी खेलती हूँ, तभी भी मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई। नहीं तो ऐसा होता है, मैंने एक दिन भी खाना एक टाइम का भी स्किप किया तो मेरे पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, लेकिन एक बार बिल्कुल एक भी क्रैम्प नहीं आया, कुछ कुछ भी नहीं हुआ। इतना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही रहने रहा तो भी अच्छा है, ऐसा लग रहा है मुझे। और मैम का मुझे एक और भी बहुत पसंद है कि मैम ये सब करती है, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करती है, और किसी ऐसा कुछ नहीं कि ग्रुप पे ही बात करती है, किसी ने भी पर्सनल भी उनको मैसेज किया, कुछ प्रॉब्लम बोला तो मैम सही से उसके ऊपर बताती है। लास्ट टाइम 6 महीने पहले मेरे पीठ में और पैर में दर्द था, तभी मैं मैम का मैंने 1 महीने का प्लान लिया था, तो वो प्लान का भी मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरे पैर का दर्द भी चला गया और पीठ में भी जो दर्द था वो भी चला गया, और मेरा वेट ए टाइम 2.5 kg कम हुआ है, जो कभी भी नहीं होता है। कितना भी ट्राई करो, योगा करो और ये करो वॉकिंग करो, लेकिन कम नहीं होता है, लेकिन ये फास्टिंग से 2.5 kg वेट कम हो गया है और मुझे बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है। तो ये, और जैसा अभी जिज्ञासा ने कहा कि हम मैम के फास्टिंग का वेट करते हैं, वैसा हम भी मैम का फास्टिंग कब आए और हम कब वो स्टार्ट करे, फिर से हमारी बॉडी डिटॉक्स करे, इसका राह देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, मैंने अभी तक फीडबैक नहीं डाला है, लेकिन मैं लिख के जल्दी फीडबैक डालूंगी ग्रुप पे। थैंक थैंक यू यू मैम, सो थैंक यू मच, वेरी थैंक यू सो मच। तो आप मच। लोग देखें, समझें और अपने जीवन में उतारें कि उपवास से ऊपर कोई भी हर्ब भी नहीं है, औषधि भी नहीं है। औषधियां भी एक बार को ना नहीं हजम होती हैं, कि कोई गार्लिक खा रहा है हार्ट हेल्थ अच्छी करने के लिए तो एसिडिटी बढ़ रही है, बहुत बार ऐसा होता है। तो बहुत सारा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसको समझते हुए आप लोग बिल्कुल अपना निस्वार्थ भावना से उपवास चिकित्सा कीजिए। मंजरी जी शायद गेटिंग लेट, कहीं जाना है आपको, तो आप प्लीज वेलकम। मैम आपसे मिलने के लिए मैंने अपनी क्लास डिले करी, एक्चुअली 10 to 11 मेरी डेली क्लास रहती है, तो मैंने सोचा आज मैं क्लास डिले कर देती हूँ वरना आपसे बात नहीं हो पाएगी। एंड मैं भी अगेन 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं और ये जिग्ना जी हम लोग साथ में एक साथ में योगा फ्रेंड्स हैं, और मोहिनी जिन्होंने जिनका इन्होंने बताया उन्होंने हमको आप सबसे जोड़ा था। तो पहली चीज तो थैंक यू सो मच, आपके साथ व्रत करने के लिए मैं हर साल वेट करती हूँ, हर 6 महीने का वेट होता है कि अब फ्रिज खाली होगा, उसमें सफाई होके सिर्फ फल और सब्जियां ही आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। और लास्ट टाइम जैसा कि आपने बताया था कि अगर आप थोड़ा पहले से एल्कलाइन डाइट पे आ जाते हो और उसके बाद में आप फास्टिंग करते हो तो यू गेट बेटर रिजल्ट, तो मैंने इस बार वही किया कि 2-3 दिन पहले से मेरा खाना मैंने एकदम फ्रूट वेजिटेबल्स एंड मिनिमम ऑयल जो नेचुरल हम खाते हैं वैसा ही शुरू कर दिया था। तो इस बार मुझे लगभग 4 किलो से 4.5 किलो मेरा वेट लॉस हुआ है, और उसके बाद में मेरी स्किन पे, मतलब मैंने नहीं, पार्लर वाली मुझे बोली कि आप फेशियल करवा के आए हो, मैंने कहा नहीं अच्छा ग्लो आया है फेस पे। और बॉडी टोनिंग ऑब्वियसली जो इंच लॉस लोग वहां जाके मशीनों से करवाते हैं वैसे करते हैं, तो वो इंच लॉस होता है, तो ये आपके ये फास्टिंग के बेस्ट पार्ट है कि इंच लॉस जो होता है वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं होता है, बट यहाँ पे हमको इंच लॉस देखने को मिलता है, और अंदर से जो सिस्टम की सफाई होती है, क्लेंजिंग होती है, इतना आनंद आता है, आपका नींबू शहद पानी पी के और कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता है। दिन में 3-4 क्लास रहती है, हम मैं भी योगा ट्रेनर हूँ तो रेस्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई नहीं आज मेरा व्रत है मैं नहीं लूंगी क्लास, तो वो करना ही पड़ता है, बट देन क्लास भी लेते जाते हैं अपना, बीच बीच में हनी लेमन वाटर भी चलता रहता है और आपको भी याद करते रहते हैं, और आपका जो मेडिटेशन है वो तो मैं डेफिनेटली दिन में सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। थैंक तो यू, आपका करवाने का रिव्यूज सरल तरीका और ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के रिव्यू थैंक जरूर क्रांति लाएंगे, और क्रांति हमें नहीं चाहिए, क्रांति नेचुरोपैथी को चाहिए, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, उपवास फास्टिंग को रिकॉग्निशन चाहिए, जो बहुत ही पुराने समय से, एंशियंट टाइम से जो मूर्त रूप था, उसका मूल रूप था, वो बदल चुका है।
और बहुत सारी इंस्टाग्राम पे कर्ड के साथ, मखाने के साथ, भले ही आई एग्री कि आप 3 किलो कम कर ले जाओगे, पर आप ये जो बेनिफिट इंटरनल ऑर्गेन्स का देख पा रहे हो कि स्किन हेल्थ अच्छी हो रही है, हील्स में क्रैकिंग बहुत सारे लोगों की ठीक हो गई, उन्होंने मुझे लिखा, तो बहुत सारा ये ऐसे ही नहीं हो रहा। वाइटल ऑर्गेन्स जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जब उनका फैट रिड्यूस हो रहा है, तब आप इस तरह से देख पा रहे हो अपनी बाहर की स्किन को। तो मशीन पे वेट भले ही बढ़ जाए आपका, पर जो इंटरनल ऑर्गेन्स पे जमी हुई डर्ट साफ की है आपने, उसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे, आप कितना भी खराब कर लोगे अपने को। वैसे तो नहीं करना है, यही सीखा है आपने। थैंक यू सो मच मंजरी जी। प्लीज शिखा मैम, बहुत प्यार से ना साथ में ही लेके चलती हूँ, छूटने नहीं देती। बीच में मेरा मन हुआ था कि अभी हो गया, अब नहीं हो पाएगा, बट देन शी सेड नहीं, तुम चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर उसके कारण मैं कंटिन्यू कर पाई है ना, बीच में हो रहा था कि हो गया अभी, मैंने बट देन मंजरी को थैंक बोला यू। कि मैं उस तरह की टीचर नहीं हूं जो बाहर कर दूं क्लास के, मैं उस तरह की टीचर हूं कि प्यार दुलार से अपने साथ तो बनाई रखूंगी, तो मैं जाने तो नहीं दूंगी जी। थैंक यू करवा थैंक यू थैंक यू सो मच रंजना मैम। आप वही मुझे मानते हैं, और बताएंगे आप या जिसको भी डिले हो रहा है वो वही मुझे वही। बताए? और एक और चीज मेरा जो बीच में बहुत बताएं 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 मंजरी जी, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। किसको लेट हो रहा है ये बताएं, अदरवाइज रीज्वाइन करना पड़ेगा। रंजना मैम नमस्कार, आप अनम्यूट कर ले प्लीज, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें प्लीज। आरुषि जी रीज्वाइन करना पड़ेगा, 10 मिनट्स ही बाकी हैं, इसी लिंक पे वापस से रीज्वाइन करेंगे जी। रंजना जी हाँ जी हाँ बताएं, हाँ जी आपकी हाँ आवाज जी, जा मैंने रही है। आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? मैं पटियाला पंजाब से। अच्छा हाँ जी हाँ जी, सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरा वेट भी कम हुआ, और मेरी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम थी वो भी मुझे कम लगी। शुगर कितनी थी और मैंने, आपको पहले? मेरी शुगर 140 चलती है इतनी। 140 फास्टिंग थी, हाँ जी हाँ जी, फास्टिंग कल और ही मैंने की है, आपने, कल आप पहले से 90। मेडिसिन पे थे, हाँ जी हाँ जी उसके बाद भी आपने फास्टिंग करी? हाँ जी हाँ जी, पूरी। अच्छा नहीं, फास्टिंग के दौरान आप मेडिसिन ले रहे थे? हाँ जी हाँ जी, ली थी मैंने, लेकिन लास्ट अब कल और परसों नहीं ली, क्योंकि वो लिक्विड डाइट थी, मैंने उसमें नहीं ली फिर, ठीक है, बाकी आप फ्रूट्स के क्योंकि साथ मेडिसिन ले रहे कल थे, सुबह भी शुगर की तो 90 थी, और शाम को की तब भी 99 थी। ग्रेट। तो अभी हाँ जी मेडिसिन हाँ जी, फिर छोड़ने का मैंने ले इरादा है ली। कि मेडिसिन कंटिन्यू करनी है? नहीं, छोड़ने का इरादा है। वेरी गुड, तो इसके लिए आप अलग से एक डाइट प्लान ले सकते हैं हमसे। हाँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी आपको फायदा हुआ है वो वापस रिवर्स ना हो। ठीक है ठीक है, जरूर ठीक ठीक है, थैंक यू सो है। मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अनीता एंड एक आभा जी कह रही हैं गेटिंग लेट। चलिए अनीता जी आप आ जाइए, वेलकम। आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। अनीता जी, थोड़ा से कैमरे को ठीक करें, कैमरे को ठीक करें, वॉइस नहीं आ रही मैम, म्यूट ऑफ करें, अनम्यूट करें अपने आप को। मैम आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें मैम। मैम हाँ आ रही है, नहीं आपने फिर से ऑफ कर दिया। नहीं प्लीज, एक सेकेंड,
आप ही कर पाएंगी, आपने उधर से कर रखा है। अब बोलिए, अब आएगी आवाज, बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ, जो ये 9 डेज का डाइट रहता है, इसको हम बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं कभी भी? कभी भी कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से? आपने किया पूरा डाइट प्लान? हाँ अभी चल रहा है क्या फायदा देखने को मिला आपको? मैम, एनर्जी लेवल तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी योगा से ही क्लास लेते हैं ना, जी तो एनर्जी तो काफी अच्छा फील होता है। घर का पूरा काम कर लो तो भी एनर्जी तो लगता ही है, लेकिन अच्छा फील हो रहा है, तो मैं इसलिए सोच रही थी मैम कि इसको कंटिन्यू आगे भी कर सकते हैं क्या, सेम जैसे डे से या अलग से लेना पड़ेगा? नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर कोई कारण तो होना चाहिए। जैसे किसी को डायबिटीज ठीक करनी है ना, अदरवाइज 6 महीने पे ही फास्टिंग क्यों बनाई गई? तो जो लोग हेल्दी हैं, वो जैसे विभा जी बता रही हैं कि 4 सालों से वो लगातार 6 महीने पे करती हैं और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तो उसके लिए हफ्ते में एक दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन तो हमारा, वैसे भी मेरा महीने में 4-5 डेज वैसे भी वीकली रहता ही है। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर से जुड़े, हम तो हर जगह डालते हैं और निशुल्क कार्यशाला है, तो इस जीवन तो मेरे निशुल्क ही रहेगी। ये कुछ लोगों ने डोनेशन के लिए भी पूछा, तो मेरी अंदर से आत्मा नहीं गवाही दी, मैंने कहा नहीं लेना है इस प्रोग्राम के लिए, तो नहीं लेना है। सो आप अगली नहीं, बार फिर कार्य जुड़े। अच्छा है, इसके लिए तो बधाई के पात्र हो मैम आप। थैंक यू, सो थैंक यू सो थैंक यू, थैंक मच। और कौन यू। शेयर करना चाहता है? प्रेम बहल जी, आप आइए प्लीज, और अगर कट जाए और कुछ लोग बोलना चाहें तो वो प्लीज हमारे उस पे जुड़े रहें। प्रेम बहल जी, हाँ जी, हाँ मैं बता रहा हूँ। पिछली बार आपका, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, और पिछली बार आपका रिव्यू मीटिंग देखी थी, तो उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं अगली बार जब आपका प्रोग्राम हो तो उसे ज्वाइन करूँ। तो इस बार मैंने कोशिश की, ज्वाइन की, और काफ़ी फर्क पड़ा है आपकी भाषण से सुनकर काफ़ी, और बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स होने का आभास भी हुआ है। जहाँ तक वेट लॉस की बात है तो वेट लॉस लगभग 2 किलो हुआ है, और बाकी फॉर्चुनेटली मेरे को शुगर बीपी नहीं है, मेंटेनिंग दैट। और बस आपके डाइट प्लान जो है उसमें थोड़ा सा मुझे समय समय पर परिवर्तन आपकी अनुमति से करना पड़ा था। आपने कहा था पानी की जगह जूस ले सकते, जी तो प्रेम आई एम 80+, वैसे भी थोड़ा सा मुझे उसकी वजह से करना पड़ा, बहल जी, बाकी ओवरऑल मेरा मैं आपसे ये चाहती हूँ कि ये आप अपनी तो को हो प्लीज, जी। आप सभी लोग म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें बाकी सभी लोग। प्रेम बहल जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि लोगों को आप एड्रेस कीजिए कि फास्टिंग, उपवास चिकित्सा, आपने इतनी नजदीक से देखी समझी, तो 80 वर्ष का व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, वो आप लोगों को एड्रेस कीजिए प्लीज अपनी भाषा में। मैं समझता हूँ कि जैसे मैडम ने बताया कि हमारे जो डिटॉक्स वाले सेल्स हैं वो फास्टिंग के वजह से उनको खाने लगते हैं, तो इस तरह से बॉडी हमारी डिटॉक्स हो जाती है। और उसके लिए आपने जो प्रोग्राम दिया है उसमें आपने बताया कि वाटर फास्टिंग इज द बेस्ट फॉर दैट, और इसका ये बाकी कि मैं शाम को इसको दोपहर को छोड़ देख लूंगी उन बच्चों के साथ, और उसके बाद वापस या तो कार्तिक छोड़ जाएगा, मेरे को फोन कर देना, मैं ले आऊंगी। ओहो, एक सेकेंड, डिस्टर्ब आप म्यूट करिए प्लीज आप लोग। ढाई बजे वो ओहो, बच्चे, बाकी ढाई नहीं, 3 बजे 3 बजे आ जाए, एक सेकेंड प्रेम हाँ तो बहल जी, मैं एक सेकेंड, 3 बजे छोड़ देख लूंगी, और वहां से 5:30 बजे ये के जब प्रॉब्लम तेरा बहुत टाइम बड़ी तब, है। तो या तो मेरे को फोन कर देना, मैं ले आऊंगी। कृपया म्यूट कर लें मैडम। ये देखो अब इतना ऐसे चलेगा नहीं काम, वही, खुद से एक भी प्रैक्टिस नहीं करता, एक जिसके सेकेंड, बाद उन्होंने लगता है मुझे ही म्यूट कर रखा है, बाकी सब ठीक है। आप लोग प्लीज अपनी नहीं तरफ से म्यूट करें, ये रिकॉर्डिंग है, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं इसका तो वाली बात है, ये आप सब पूछना म्यूट कर पड़ेगा दें, मैं कर लूंगा, आप सब म्यूट कर दें तो अलग मैं। से। हाँ वही यही चल, हाँ प्रेम बहल यस, जी, अब अब आप आप, जी, अब आप अनम्यूट करें और सिर्फ आप बताएं, यहां से शुरू। मैं ज्यादातर तो बता दिया, तो वाटर फास्टिंग से आपकी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है, और बॉडी डिटॉक्स होती है, और इसका
जैसा कि मैडम ने बताया, कई सारे जैसे बीपी है, शुगर है, उसको भी कंट्रोल करने में काफी हद तक सफलता मिलती है। और हम उसके बाद इस 9 दिन के कोर्स के बाद अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और जैसा आप लोगों ने रिव्यू दिए हैं कि फेस पे ग्लो आ जाता है, वो सब मुझे लगा कि ठीक है इसको, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से कि इसको किया जाए। और मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को चला रही हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू प्रेम बहन यू जी, मैडम, थैंक यू। नमस्कार। दो तीन मिनट बचे हैं, आप में से कौन आना चाहेगा रिव्यू के लिए? अदरवाइज फिर आप अपना दोबारा से जुड़े या फिर अपना पर्सनल बना करके मुझे रिव्यू दे दें। क्या चाहेंगे जितेंद्र?